हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग सुबह की। तो दोस्तों जैसा कि बता रहा हूँ, सावन का मेला चल रहा है, कांवड़िए चल रहे हैं दोस्तों। तो आज आपको दिखाएंगे हम डाक कांवड़ से लेके महाकांवड़ तक, और आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और हम हमारे यहाँ से सोना से रूट से जो हाईवे से निकलते हैं डाक कांवड़िया और क्या नाम महाकांवड़ वाले, तो उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना है आपसे, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे हमारी हर एक नई व पुरानी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका ऐसे मुझे कीप सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों चलो स्टार्ट कर रहा है, और कांवड़िया निकल चुके हैं एकदम घोड़े को सजा सजा के। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, ऐसे ही मस्त मस्त ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। देख सकते हो कितना भव्य एकदम कांवड़ जा रही हमारे सोहना शहर से निकलती हुई नूह रोड पे, एकदम भव्य नज़ारे हैं गाइस, देख सकते हो एकदम जलवा से निकल रहे हैं कांवड़िया, पूरी तरह से रोमांस बना रखा है। दोस्तों देख सकते हो हमारे सामने जैसे जा रही है, एक बिल्कुल सामने फ्रंट में हरिद्वार से राजस्थान के लिए महाकांवड़। तो ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहे और ऐसे ही नई व पुरानी वीडियो हम आप तो देते रहेंगे, कांवड़ की अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहेंगे आपको। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में, कहीं नहीं जाना है दोस्तों। और अभी आपको दिखाएंगे और भी बेहतरीन महाकांवड़ जो कि हमारे यहाँ से निकलेंगी सोहना रोड से। ये तो हरिद्वार से राजस्थान के लिए प्रस्थान कर रही है जय भोड़े की। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस देख सकते हो आ चुके हैं हम तीसरी महाकांवड़ के पास में, जो कि हमारे हरिद्वार से चलकर हरियाणा गांगोली नूह को जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हो क्या अद्भुत नज़ारे हैं इस कांवड़ के, और क्या डेकोरेशन कर रखी है एकदम बढ़िया सी ज़बरदस्त। और ऐसे ही एक से एक कांवड़ आपको मैंने दिखाई है दोस्तों, और ऐसे ही आगे भी आपको नए और पुराने जो भी हमसे बनेगा, जो अच्छा से अच्छा वीडियो होगा वो आपको हम दिखाएंगे। और जो भी हमसे मतलब कहते हैं कि जो जितना भी हमसे आपके लिए हो सकता है वो करते हैं दोस्तों, बस ऐसे ही अपना कीप सपोर्ट मुझे देते रहिएगा, और ऐसे ही आप इंजॉय करते रहिएगा हमारी वीडियो का और हमारे निहाल जूस चैनल यूट्यूब का। तो दोस्तों देख सकते हो क्या नज़ारे हैं एकदम, क्या डीजे वीजे भाई ने लगा रखे हैं इसमें। एक पीछे देख सकते हो जॉन डीयर ट्रैक्टर है, उस पर इन्होंने सेटअप कर रखा है अपना पूरा। और ये काफिला देख सकते हो कितना लंबा है, एक ट्रॉली पीछे, उसके पीछे एक पैंट्रा है, बहुत ही तगड़ा एकदम माहौल बना रखा है भाइयों ने, जो कि गांगोली हरियाणा में पड़ता है हमारे, और जो कि हमारे नूह के पास में ही पड़ता है। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे ही, और आप पूरा इंजॉय लीजिए, दर्शन करिए महाकांवड़ के दोस्तों। ये अद्भुत नज़ारे हैं, सावन के नज़ारे हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से एकदम बढ़िया बिंदास। और देख सकते हो क्या रोड के एकदम किनारे शिविर लगा रखा है भाइयों ने, जो हमारे भाई हैं जो भी करते हैं उनके लिए भगवान से एक लाइक जरूर करेंगे और उनके लिए प्रेयर करेंगे, भाई अच्छे से अच्छे हर बार ऐसे ही शिविर लगाओ और कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था करो। आप देख सकते हो ये कांवड़ के अंदर के नज़ारे हैं, भोले भंडारी कैसे बैठे हुए एकदम। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही, और देख सकते हो जो भी है हमसे जुड़ा वो हमने आपको दिया। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, और देख करिए हमारे नए व पुराने वीडियो। आप फिर अगले वीडियो में मुलाकात आएंगे, मेरे को कहना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी वीडियो बनाने के बाद भी अगर मुझे लगे कि मेरे को कहना पड़ेगा सब्सक्राइब करना, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों फटाक से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई व पुरानी वीडियो अब तक पहुँचे और ऐसे ही आपका कीप सपोर्ट मिले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।